ये चिड़िया का नाम है सात भाई, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत खूबसूरत नाम है, जंगल बबलर। ये ओखला बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे बहुत सारे देसी विदेशी पक्षियों की मौजूदगी हमेशा बनी रहती है। बट विदेशी पक्षी अभी जैसे फेब का एंड चल रहा है तो टेम्परेचर थोड़ा स्लाइटली राइज होने लगा है यहाँ पे, उसकी वजह से जो साइबेरिया से और उधर मंगोलिया तरफ से जो पक्षी आते हैं यहाँ, जो बेसिकली जो ठंडे इलाके में रहने वाले हैं, तो जैसे जैसे यहाँ पे ठंड कम होगी वो भी धीरे धीरे यहाँ से वापस अपने नेटिव प्लेस की ओर फ्लाई कर जाएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा पक्षी यहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत सारे हैं और ज़्यादातर जो हैं उनमें इंडियन स्पीसीज जो हैं वही यहाँ पे हैं। ये बर्ड सेंचुरी ओखला के ओखला बैराज के पास में है, काफ़ी बहुत बड़े हजारों एकड़ में ये फैला है और बहुत शानदार यहाँ पे नज़ारे हैं। शाम को और सुबह में यहाँ ट्रैक बने हुए हैं, मॉर्निंग वॉक जॉगिंग करने वालों के लिए, साइकिलिंग के लिए भी ट्रैक है और यहाँ अंदर आने के लिए टिकट लगता है। कितना पैसा लगता है किस एज ग्रुप के हिसाब से वो मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये जगह दिल्ली की एकदम धूम धड़ाक के बीच में बहुत ही शांत और बहुत ही सुकून देने वाली जगह है। यहाँ पे आपको तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें सुनने को मिलेगी और आप यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। आने के लिए बच्चों को नेचुरल ब्यूटी ये सब दिखाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये जो मैमल्स हैं ये भी इसमें पाए जाते हैं, बर्ड्स के साथ साथ में इस तरह की चीजें भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे बैठने के लिए एक बेंच लगी हुई है जो एक पुरानी नाव में है, ये काफी डिजाइनर है और फोटो खींचने के लिए भी अच्छी जगह है। यहाँ से आप बैठ के लेक का बर्ड व्यू ले सकते हैं। एक और बैठने के लिए डिजाइनर बोट यहाँ भी तैयार है। चलिए, पहले बोट सेलिंग के लिए यूज होती थी यहाँ पे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये खराब होती गई तो इनका जो रीयूज करने के पर्पस से इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया स्लाइटली और ये लकड़ी के बेंचेस इसमें फिट करके इसको विजिटर्स के लिए सिटिंग चेयर ये बना के रखा है। तो लोग घूमते हैं इधर आके थक हार के, यहाँ पे बैठते हैं, कोई खाने पीने का सामान लाता है तो यहाँ पे बैठ के वो खा सकता है। ये नेक्स्ट है घोर फाख्ता, हमारे देसी में हरियाणवी में इसको बोलते हैं धोड़ा। जब मैं एट क्लास में था तो एक तूफान की आने की वजह से एक कीकर के पेड़ से इस तरह पक्षी का घोंसला गिर गया था, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला, उसको घर ले आया, उसको अच्छे से खिलाया पिलाया रखा, तो बहुत अच्छा पक्षी था। हेलो, गुड मॉर्निंग, I'm shooting your videos, it's not objectionable. Okay, good. Keep it up. You are doing good job. ये भाई विदेशी थे जो वाइल्ड फोटोग्राफी के और आउटिंग के शौकीन हैं बर्ड्स के। देखो इनके पास बड़े महंगे महंगे कैमरे हैं, लोग बोलते हैं चिड़ियाओं के बतखों के फोटो खींच के क्या करेगा कोई, बट ये यही जानते हैं इस पैसन को ये कैसे इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत शानदार काम है, जबरदस्त।